जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपका अवर कुजीन में। छत्तीसगढ़ में कई प्रकार की भाजी मिलती है और उन भाजी में से एक होती है कांदा भाजी। कांदा भाजी जितना बनाने में आसान होता है उतनी वह खाने में स्वादिष्ट भी होता है। जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो कांदा भाजी को बहुत अच्छे से जानते हैं और उसका स्वाद बेहतरीन होता है। ये कांदा भाजी इस प्रकार से होती है। ये आपको बाज़ार में भी मिल जाएगी। इसको साफ़ करना तोड़ना बहुत आसान होता है। बस इसकी जो डंडियाँ होती हैं वो अलग कर दें, इसको काटने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने इसमें से जो मोटी मोटी डंडियाँ थी वो तोड़ के इनको साफ़ कर लिया है और अब मैं इनको अच्छे से 2-3 पानी धो लूँगी। तो मेरी कांदा भाजी हो गई साफ। आइए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। गर्म कढ़ाई में हम 2-3 बड़े चम्मच तेल ले लेंगे। अब इसमें मैं एक कली लहसुन को बारीक काट के रखी हूँ, ये डाल दूँगी। आप चाहें तो उसे कुचल के भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं 4-5 हरी मिर्च को काट के डाल रही हूँ। आप चाहें तो बारीक काट सकते हैं या फिर लंबा लंबा भी काट के डाल सकते हैं। मैं खड़ी मिर्च पहले डालना भूल गई थी, इसलिए अब इन खड़ी मिर्च को तोड़कर 2 टुकड़े या 3 टुकड़े तोड़कर डाल देंगे। छत्तीसगढ़ में भाजी बहुत तीखी पसंद की जाती है। सादा दाल चावल और भाजी बहुत स्वादिष्ट लगता है। बोरे बासी के साथ भी खाना बहुत यम्मी होता है। आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को भी मेरे जैसे तीखी भाजी पसंद है? अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं या फिर आपको तीखा ज़्यादा तीखा नहीं पसंद तो आप मिर्च कम कर सकते हैं। 2 मीडियम प्याज को लंबा लंबा काट के हम इसमें डाल के भून लेंगे। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा फिर हम इसमें भाजी डालेंगे। ठंडी के दिन में बहुत अच्छी अच्छी भाजी आती है। अगर आपको तीवरा भाजी पसंद है और उसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तीवरा भाजी की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ कांदा भाजी को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे या ऐसे दबा के थोड़ा सा स्वे कर देंगे तो फिर वो अपने आप कम हो जाएगा। फिर आप आसानी से इसको मिला सकते हैं। अब हमको कांदा भाजी को जब तक इसका पानी सूख जाए तब तक अच्छी तरीके से चलाते हुए पका लेना है। कांदा भाजी का पानी सूख जाए तब हम इसमें 2 बड़े टमाटर काट के डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वादानुसार डाल सकते हैं। भाजी में नमक आप थोड़ा ध्यान से डालिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब भाजी में हम नमक डालते हैं तो थोड़ा सा भी नमक ज़्यादा हो जाता है, तेज लग जाता है। टमाटर के अच्छी तरह गलने तक हमको भाजी को भूनते हुए पका लेना है। देखिए पूरा पानी सूख गया है और भाजी बहुत अच्छे से बन गई है। कांदा भाजी बनाना कितना आसान है और है भी स्वादिष्ट। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और आपको और कौन सी भाजी की रेसिपी देखनी है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।